स्कूल के तलबा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और तालीमात से रोशनास कराने के लिए महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। डीडीएम मोंटेसरी हायर एंड सेकेंडरी स्कूल में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें स्कूल के नन्हे तलबा समेत खवातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। महफिल मिलाद में स्कूल की तालबात ने बहुजूर सरवर कौनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया नात पेश की। बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी की थी, काफ़ी दिनों से बच्चे इस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे थे और इंशाल्लाह हम ये हमारी यही कोशिश है कि हर साल इसी तरह से महफिल मिलाद का इनेकाद करते रहे। इससे हमें जो है हमारे हुजूर के और करीब होने का मौका मिलता है, उनके जो अहकाम हम पे नाजिल किए गए हैं उन्हें सबको बताना एक बहुत अच्छी महफिल होती है कि हम आगे जो है अपने आने वाली नस्ल को जो है वो बहुत अच्छा इसके ज़रिए पैगाम दे सकते हैं। मैं ये देखती हूँ कि अगर मैं नात पढ़ रही हूँ तो सामने वाला भी मुझसे इंटरेस्टेड हो, मुझे अच्छा लगता है कि वो भी मेरे साथ इंटरेस्ट होकर पढ़े। मैं कुछ चाहती हूँ कि सामने वाला मेरे साथ अच्छे से अच्छी तरह मिल जाए, बिल्कुल मैं ये चाहती हूँ हर महफिल ऐसी जम जाए कि हुजूर की पता चले कि हुजूर की महफिल में बैठे हैं। मुंतजमीन का कहना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी कुरान पाक की तफसीर है, जिससे रोशनी हासिल करके हम अपनी जिंदगियों को सवार सकते हैं। कैमरामैन अदनान जई के साथ रेहान गनी, पासपान न्यूज़, हैदराबाद।